नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है। उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं सुबह का काम सारा कर चुकी हूँ, अब मैं चल रही हूँ सुबह का खाना बनाने। तो पहले चलते हैं, अरे सब्जी ले लेते हैं खेत से। और दोस्तों जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चल रहे हैं, डलिए को ले रहे हैं, देखिए मैं चूल्हे के पास हमने सब कुछ रख दिया है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देख लीजिए आप लोग, ये तो दोस्तों ये चिचिन्ना है, हम लोग चिचिन्ना ही बोलते हैं। मैं इसी की रेसिपी आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोग पहले देख लेती हूँ और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो दोस्तों ये हरा भी रहता है और ये सफ़ेद भी रहता है, ये सफ़ेद कलर का है और आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं, देखिए एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है खेत के किनारे। तो ये है चिचिन्ना का फूल, एकदम जाले तरह जाले जैसा है, ये वाइट कलर का, देखिए अच्छा लग रहा है। तो हम अब तोड़ते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा ये बहुत नरम था, टूट गया, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। बहुत ही आसानी से टूट रहा है, इसकी जो है ढाई बहुत नरम है और ढेर सारे देखिए छोटे छोटे हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ और छोटा है, उससे बड़ा ये है। तो इसको डलिया में रख लेते हैं। चिचन्ने को हमने ले लिया है, अब मैं चलूंगी घर पे। तो गांव में सब यहाँ पिटाई धान की चालू है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, अब मैं इसको चूल्हे के पास रखूंगी और सारा तो व्यवस्था मैंने पहले से कर दिया है। अब मैं इसको पहले धो लेते हैं। तो अच्छे से धो लिए हैं, अब रख देते हैं थाली में। अब मैं इसका थोड़ा सा इसको खरोच कर तो सफेद जो फर है उसको निकाल कर साफ करेंगे ऐसे ही। तो दोनों साइड में काट कर अच्छे से साफ कर लिया है, अब इसको इस थाली में रखेंगे। तो ऐसे ही पहले हम इसको, तो छिलके को उतार लिए हैं, अब इसको दोबारा धो लेते हैं। तो अब मैं इसको काट लेती हूँ। तो ऐसे गोला गोला मैं काट लेती हूँ, देखिए ज्यादा मोटा पतला मैं नहीं रख रही हूँ, ऐसे ही। तो ऐसे ही सारे चिचिन्ने को काट लेते हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है करने के बाद। चिचिन्ने को हमने काट लिया, अब इसको बीज को हम बीच में से निकाल देते हैं। तो हमने छोटा छोटा काटा है, बहुत ही आसानी से निकल रहा है, ये देखिए तुरंत इस थाली में से रखते जाएंगे। तो सारे बीज को हमने निकाल लिया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बीज, बीज को मैं नहीं लूंगी, बीज को मैं फेंक दूंगी। अब मैं दोनों चूल्हे में आग को जला लेती हूँ। तो मैंने दाल को अच्छे से धोकर इसमें पानी डाल दिया है, इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक।
नमक डालने के बाद इसमें डालते हैं खटाई। तो इसको ढक्कन को लगा देते हैं डाल के, और एक तरफ मैं रखती हूँ ये कुकर दाल पकने के लिए, और एक तरफ रखूंगी कढ़ाई। लहसुन मिर्चा और अदरक को मैं यहाँ से कूट लेती हूँ। अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल, तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा डालने के बाद अदरक लहसुन मिर्चा को जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है इसको डाल देते हैं। हमने इसे अच्छे से पका लिया है, अब इसमें चिचिन्ने को डाल देते हैं। अब तड़के में इसको अच्छे से मिलाते हैं। हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसको हम ढककर थोड़े टाइम तक पकाएंगे। तो दाल को हमें 3 सीटी लगाना है। ये देखिए पक रही है हमारी दाल। थोड़ा सा हमारा ये नरम हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं मसाले। पहले मैं डालती हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, मिला देते हैं। अब मैं इसको एक बार और चला देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा हमने लाल मिर्चा डाला है, इसे आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, नमक डालकर अच्छे से मिला देते हैं। तो दाल हमारी पक चुकी है, इसको मैं उतार देती हूँ। तो प्रेशर कुकर में से गैस को निकाल देते हैं, इसी में डालेंगे चावल। गैस को हमने निकाल लिया है, अब मैं इस भगोने में दाल को पलट लेती हूँ। चावल को अच्छे से हमने धोकर कुकर में डाल दिया है, अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो उसी चूल्हे पर मैं अब चावल पकने के लिए रख देती हूँ। अब मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छा बन रहा है। अब इसमें डाल देते हैं हम अमचूर पाउडर। चिचिन्ना की सब्जी में अमचूर पाउडर बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद बढ़ता है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। हम इसे धीमी आंच में पका रहे हैं। अब इसको ढककर धीमी आंच में पकाते हैं। अब मैं आटे को तैयार करती हूँ। सूखा आटा थोड़ा सा मैं इस चौके पर रख लेती हूँ। तो अब मैं आटे को तैयार करती हूँ। तो आटे को हमने तैयार कर लिया है, अब इसमें रख देते हैं सूखे आटे। तो चावल हमारा पक चुका है और एक सीटी हमने लगा लिया है, अब इसको उतार देते हैं। तो इस चूल्हे पर रख देते हैं तवा, बनाएंगे पराठा, और आप लोगों को सब्जी भी दिखा देते हैं। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो चिचिन्ना की सब्जी दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और बहुत ही खाने में बढ़िया रहता है ये। हम इसे पराठे के साथ और चावल और दाल के साथ बनाए हैं सुबह, ये देखिए। तो अब पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रोटी जैसा हमने बेल लिया है, अब इसमें लगा देते हैं रिफाइन का तेल। तेल अच्छे से लगाएंगे। तेल अच्छे से लगाने पे बहुत ही अच्छा पराठा फूलता है। इस साइड में लगा देते हैं मुंडे के बाद। अब मैं पराठे को बेल लेती हूँ। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। अब इस पे पराठे को हम रखते हैं तवे पे। तो पराठे को हमने पलट दिया है, इस पे लगा देते हैं तेल। पलट कर उस साइड में लगाते हैं। तो दोनों साइड में अच्छे से पलट पलट कर पराठे को पकाते हैं। तो पराठा हमारा ये पक चुका है, इसको उतार देते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे को बना लेते हैं। देखिए देसी घी हम दाल में डालेंगे, थोड़ा सा गरम कर देते हैं। वैसे मेरा दाल गरम है, थोड़ा सा मैं इसको टगरा लेती हूँ। तो घी हमारा टगर चुका है, अब इसको दाल में हम डाल देते हैं। खाना बनकर हमारा तैयार है। अब मैं थाली में खाने को परोस लेती हूँ। इस तरफ हमारा सब्जी है, और चावल का ढक्कन मैं खोल देती हूँ। ये पराठे को रख लेती हूँ। तो खाने को हमने परोस लिया है, और थाली देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सुबह का खाना हमारा बनकर तैयार है। हमने बनाया है चिचिन्ना का सूखी सब्जी, और साथ में चावल, पराठा और ये दाल।
तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो उषा विलेज फूड चैनल को अगर आप लोग मदद देना चाहते हैं तो पेट्रियन के जरिए दे सकते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।